वहाँ पे पाकिस्तान अफेयर्स की प्रिपरेशन की बात है, वहाँ पे आपने ये चीज़ नोट करनी है कि पाकिस्तान अफेयर्स और करंट अफेयर्स में काफ़ी चीज़ें आपको मर्ज मिलेंगी। फॉर एग्जांपल, करंट अफेयर्स में काफ़ी सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो पोस्ट पार्टीशन में पाक अफेयर्स में आपके सेम ही होंगे। पाक अफेयर्स में एक तो पोर्शन है आपका प्री पार्टीशन का, 1947 से पहले जो भी इंसिडेंट्स हुए, पाकिस्तान किस तरह बना, उस सारी हिस्ट्री को आपने पहले तो प्रिपेयर करना है। कायदे आजम का क्या रोल था, इलामा इकबाल का क्या रोल था, तो यहाँ पे प्री पार्टीशन के बाद आपने पोस्ट पार्टीशन पे फोकस करना है। पोस्ट पार्टीशन जो है 1947 से लेके आज तक के ईयर तक आपने जो भी हुकूमत रही, कौन से पार्टी की हुकूमत रही या मार्शला लगा तो कौन उसका एग्जेक्टिव था, वो सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छी तरह पता होनी चाहिए। और हर एक हुकूमत के दौर में क्या क्या चीज़ें हुई, कौन कौन सी चीज़ें हुकूमत ने इनिशिएट करवाई और क्या रोल था गवर्नमेंट का या आर्मी का, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके बाद पोस्ट पार्टीशन में जो मेजर रोल आता है वो करंट अफेयर्स का आता है। अब CSS के इम्तिहान में आपको ये चीज़ हमेशा पता होनी चाहिए कि जो भी सब्जेक्ट्स आप अटैम्प्ट करेंगे उसमें करंट अफेयर्स का रोल हमेशा रहेगा। फॉर एग्जांपल, जितने भी आपके क्वेश्चंस ऑप्शंस में आ रहे हैं तो उसमें कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो करंट अफेयर्स से रिलेट जरूर करेंगे। अगर आपने करंट अफेयर्स की तैयारी की हुई है और पाक अफेयर्स की तैयारी भी की हुई है तो उसमें से दो क्वेश्चंस आप करंट अफेयर्स के भी अटैम्प्ट कर सकते हैं जो आपने बेशक पाक अफेयर्स की स्टडी करते हुए प्रिपेयर किए हों, और कुछ क्वेश्चंस आप प्रीपार्टीशन के भी अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो इस लिहाज से अगर आप पाक अफेयर्स की तैयारी करें तो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी, क्योंकि पहले मैंने एक और वीडियो में आपको ये भी बताया था कि करंट अफेयर्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा CSS के इम्तिहान में, इसको पास करने के लिए और अच्छा मेरिट हासिल करने के लिए। तो इस लिहाज से आप पाक अफेयर्स की तैयारी करें। अच्छा, पाकिस्तान अफेयर्स और करंट अफेयर्स की तैयारी के लिए एक किताब मैं आपको बताऊँगा, पाकिस्तान ए हार्ड कंट्री बाय एनाटोल लीवन। बहुत अच्छे ऑथर हैं, ब्रिटिश ऑथर हैं, उन्होंने बहुत अच्छा एनालिटिकल व्यू अपना प्रेजेंट किया इस किताब में। इसको पढ़ के आपको बहुत सारी हिस्ट्री के बारे में पता चल जाएगा और करंट अफेयर्स जहाँ पे लीड अप करते हैं इसके बारे में पता चलेगा। प्रिपरेशन करने के लिए ट्रैक टू पाकिस्तान है, वो भी बहुत अच्छी किताब है। पाकिस्तान की हिस्ट्री से रिलेटेड काफ़ी सारी किताबें आप डिफरेंट ऑथर्स की हासिल कर सकते हैं। जहाँ तक करंट अफेयर्स की बात है या फिर पोस्ट पार्टीशन की बात है, वहाँ पर करंट अफेयर्स पर ज़्यादा फोकस करें, न्यूज़पेपर्स पे फोकस करें, डिफरेंट आर्टिकल्स पे फोकस करें। यहाँ से आपकी बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो सकती है, क्योंकि मेरे ख्याल में जितना ज़्यादा आप अपडेटेड रहेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए CSS के इम्तिहान में हेल्प होगी। पास पेपर्स की हेल्प जरूर लें, पास पेपर्स के जो टॉपिक्स उसमें क्वेश्चन आंसर आए होते हैं उससे आपको आइडिया होगा कि कितने एनालिटिकल क्वेश्चन आते हैं आजकल। इन क्वेश्चन को पहले तो आपको समझना होगा कि स्टेटमेंट में दिया क्या हुआ है, उसको समझ के ही आप उसको आंसर कर सकते हैं। ऐसा नहीं करना कि आपने एक टॉपिक प्रिपेयर किया और बाद में जब क्वेश्चन के अंदर उस टॉपिक का नाम दिखा तो आपने सीधा सीधा वो टॉपिक जो प्रिपेयर किया था वो लिख दिया। आपको हमेशा एनालाइज करना है कि क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है, उसके हिसाब से आपने उसे आंसर करना है। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।